उत्तराखंड वैसोमो टाइम में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर कलजीखाल ब्लॉक से। पौड़ी जनपद के कलजीखाल ब्लॉक में नरसू पट्टी के काष्ठेत क्षेत्र के ग्रामीणों में गुद्दार की दहशत बनी हुई है। क्षेत्र में कल शाम बांझखाल के पास एक युवक पर हमला कर दिया गया। युवक की किस्मत अच्छी रही कि वह इस हमले से बार बार बच गया। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुद्दार को पकड़ने के लिए पिंजरे की मांग की। 3 दिन पहले क्षेत्र में एक मंदिर के पुजारी का शव झोपड़ियों में जानवर द्वारा खाया गया मिला। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि गुलदार ने ही पुजारी को अपना आने वाला बनाया है या अन्य जानवर ने। फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं और लोगों में दहशत बनी हुई है, खासतौर पर महिलाएं जिन्हें घास काटना है, गाय चराना है या लकड़ी के लिए जाना है जंगलों में। और जिस तरह से आप जानते हैं कि बंजर होती खेती में वहाँ पर ज़्यादातर जंगल बन गए हैं और जानवरों का आतंक बराबर बना हुआ है। देखिए कलजीखाल ब्लॉक से हमारे से हुई जगमोहन डांगी की है खास रिपोर्ट। अब हम ये सोच रहे हैं कि इनका गया मेरा क्या है, इनका गया मेरा क्या है। हम लोगों ने इस भावना को जन्म दे दिया है और हम अगर सारे गांव में बैठ करके मीटिंग करें कि भैया हमें कुछ हो जाए, कम से कम मुझे अपने गांव के रास्ते वास्ते में सारे साफ कर दूं, इतना क्षेत्र तो आपका सुरक्षित हो गया। हम वो भी नहीं कर रहे हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि जिस रास्ते कल घटना हुई, देखिए झाड़ियों को सुरक्षित रखने के लिए कि हमें स्वयं भी मेहनत करनी होगी और हम इस रूप में रहेंगे कि जब कोई दूसरा आएगा ये झाड़ी काट के चला जाएगा और तब हम सब खुला जो बाघ लगे ना अकेले रहना तुम तो वही क्या कुछ डर बाघ अकेले रहने तो जल का रात देश बहरा रूम की ना मिल फुल चल जाने से तो बाघ में फरे जाने के बुना ना तुम कौन के बाघ अपने कुमार बस सिखेत रहा है कुछ नहीं बाली ये बाल रात फिर से नहीं जावा राकेश कुमार ग्राम प्रधान था। आपने की यहाँ पे आपके गांव में ही कल गुलदार ने एक दस्तक दी है और एक युवा जो अपने ड्यूटी से लौट रहा था उस पर झपट मारने का प्रयास किया। हालांकि पुष्टि नहीं हुई है लेकिन फिर भी दहशत में है क्षेत्र और पूर्व में घटना घटी 3 दिन पहले, उसमें भी एक संगीत मामला है कि गुलदार या भालू किसने उसको खाया है वो अभी जांच के विषय। लेकिन आपका कल क्या मांग यही है कि यहाँ पर या तो पिंजरा लगाया जाए या किसी अन्य तरीके की जो सुरक्षा है वो ग्रामवासियों को दी जाए जिससे भविष्य में होने वाली कोई बड़ी घटना न घटे, उससे बचा जा सके। और कल हम लोग सब DFO महोदय से भी मिलने जाएंगे और जिलाधिकारी महोदय के समक्ष भी हम अपनी बात को रखेंगे और यहाँ पर पिंजरा लगवाने की मांग करेंगे। कल भी आपने एक पत्र दिया था, वो किसको दिया था संयुक्त रूप में? कल मैंने एक पत्र संयुक्त रूप में पहले जिलाधिकारी महोदय को दिया था पौड़ी और दूसरा हमने DFO साहब को दिया था। तो कल आप लोग फिर एक बार फिर जिलाधिकारी महोदय को जो है पिंजरे की मांग करेंगे? जी कल हम फिर दोबारा जाएंगे। इसमें इस टाइम लोग थोड़ा दहशत में भी है, क्या व्यवस्था की है आप की तरफ से इधर गुलदार को काबू करने के लिए, पकड़ने के लिए, या क्या आदेश हैं, क्या मांग करके प्रधान लोग? देखिए कल यहाँ पर ग्राम प्रधान सम्मानित ग्राम प्रधान लोगों का प्रतिनिधिमंडल मेरे पास आया था और मैंने उनको गांव में लोगों को अकेले जाने के लिए भी ये कहा है कि वो अकेले ना जाएं। हम लोगों के द्वारा कल वन विभाग की टीम रात भर यहाँ पर गश्त करती रही और गश्त में लोग थे। हम लोग अगर यहाँ पर लेपर्ड अगर सक्रिय है तो उसको करने के लिए कैमरा ट्रैप हम लोगों ने कल भी लगाया था, आज भी हम लगाने जा रहे हैं। टीम मेरी लगातार यहाँ पर है और जो सबसे बड़ा कारण जो मुझे नज़र आ रहा है और आपको भी दृष्टिगत हो रहा होगा कि चारों तरफ झाड़ी झाड़ी है, विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है और ये गुलदार का जो हैबिटेट है ना हमने अपने बिल्कुल घर के पास बना दिया है। तो मेरी ग्रामवासियों से भी, ग्राम प्रधान लोगों से भी कि अपनी आत्मरक्षा के लिए श्रमदान के रूप में या ये एक ड्राइव के रूप में चला करके ये कम से कम ये जो है झाड़ियाँ साफ करें, अपने घर के आसपास की झाड़ियाँ तो साफ करें, तभी जो है गुलदार से बचाव होना पड़ेगा। और हम लोगों को अब महाराष्ट्र की तर्ज पर लिविंग विद द लेपर्ड कि हमें जंगली जानवरों के साथ में कैसे रहना है ये हम सब लोगों को सीखना होगा। 3 दिन पहले ये घटना घटी थी, एक अधखाया आदमी जो है जंगल में मिला, क्या लगता है आपको कि आपने भी मौके पर निरीक्षण किया, क्या जानवर ने कहा होगा इसको? देखिए ये मामला प्रथम दृष्टया बड़ा संदिग्ध लग रहा है, इसमें वन विभाग की टीम और राजस्व विभाग की टीम ने इसमें निरीक्षण किया है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये किसी और कारण से दुर्घटना हुई है और उसके बाद जो किसी जंगली जानवर के द्वारा, मैं ये नहीं कहूँगा इसको गुलदार के द्वारा,
किसी भी जंगली जानवर के द्वारा या प्राकृतिक मेहतर के द्वारा इसको खाया गया है, तो मामला भी संदिग्ध है, इसमें जान जारी है। ये जो वन विभाग टीम है चाहिए आप दे आश्वासन दिया उनके भाई तुम जो झुंड में जा घास लकड़ो, लेकिन आप तो लोग गाँव में बहुत कम छे, संभव कम छे, लेकिन क्या आश्वासन दिया कि बाघ जो छो पकड़ा या क्या क्या होता है पिंजरा लगा ला के बालू वो नहीं कुछ नहीं बाल की पिंजरा लगा ला वो बना छे ना पर सुरक्षा खुद करा बच्चों था कि अब सुरक्षा मना का हमारे बच्चे छे हम तो भी पता छे कि हमने पर बच्चा क्या हिसाब से बिछड़न हम तो पता छे कि हमने क्या हिसाब से घास बटा घर या गोर डका के घर गो ले के घर सब कुछ हम तो पता हम भी जान प्रधान चलो बात कर उत्तराखंड आप दिखना चाहो हमारे साथ पहाड़ों की आवाज गांव की आवाज घर घर की आवाज पहाड़ों की सच्ची खबर दिखाना को हम प्रतिबद्ध छो ये का वास्ता आपक सहयोग बहुत जरूरी छे। आप हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन थे सब्सक्राइब करा और बेल आइकन थे प्रेस करा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप थे मिली रहा। आप हमारे वेबसाइट www.voiceofmountain.com थे पर हमसे जुड़ा रहा आप अपना ध्यान रखा जय उत्तराखंड से किसमान लिया।